welkom bij een goed nieuwe uitzending van Een Kijkje In. Mijn naam is Ashna Shangur en samen met Ronnie en Sushma Bieren doen wij deze uitzending. Ik zit vandaag wederom in de studio van TBN en dat ook met de complimenten van de Winas Enterprise, Richard Vastgoed, SNR Transmission, KMSS Car Air Conditioning Repair, de Vershop en Next Level Car Detailing. Nou, het is een uitzending vandaag. We gaan het hebben over Gana, Bajana, Poku en nog veel meer. We zitten vandaag met helemaal uit India, uit Bollywood, Madhushri. Swagat hai aapka. Namaskar, namaskar. Namaskar, welkom. En it's a pleasure to have you here. Thank you. वैसे तो मैं भी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा से डच में शुरुआत करते हैं. हो खातिर में तू? मैंने खातिर खुद, हो खातिर. खुद, खुद, खुद. क्योंकि मुझे तो पता है और काफ़ी ज़्यादा लोग भी हैं जिन्हें पता है पर तो भी सभी को नहीं पता है. पर आप सुरीनाम में थे आईसीसी जी, कल्चरल सेंटर एज ए म्यूजिक टीचर. या और सभी काफ़ी लोग आपसे म्यूजिक सीखे. सुजाता भट्टाचार्य ना? सुजाता भट्टाचार्य. अच्छा, वो आपकी रियल नेम है? यस. एंड तो मधुश्री कहाँ से आए? ये क्या होता है बॉलीवुड में बहुत सारे लोग अपना नाम चेंज करते रहते हैं तो उस टाइम वो कन्फ्यूज्ड रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, किस्मत चमकेगी कि नहीं, गाना मिलेगा कि नहीं, एक्टिंग मिलेगा कि नहीं. तो उस टाइम में लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज रहते हैं और सोचते चलो नाम चेंज कर लेते हैं. तो मैं भी अब ये सोच सकते हैं. हाँ, गो विद द फ्लो. मधुश्री, मधुश्री, मधु मीन्स हनी, श्री मीन्स मनी, तो दोनों ही आ जाए. दोनों ही आ जाए और दोनों ही आ रहा है और आई है बहुत. चलो आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं. सुरीनाम में आप आए तो यहाँ पर कैसा था आपका जर्नी? देखिए, सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, सुरीनाम हैज़ ए वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट. और ये जो बॉलीवुड में मैं आज मधुश्री को लोग जानते हैं एज ए प्लेबैक सिंगर, इसमें सुरीनाम का बहुत बड़ा हाथ है. ये कैसे? क्योंकि जब मैं सुरीनाम में आई थी तो मैं बहुत यंग थी, बहुत एकदम जस्ट कॉलेज कंप्लीट किया और यहाँ पर आ गई. जी, कितने साल तक आप सुरीनाम में? मैं करीब 3.5 साल तक. अच्छा, 3.5 ईयर्स. तो उसमें क्या, मेरा सीखने की उम्र थी, सिखाने आए, नौकरी मिल गया था, तो सिखाते सिखाते बहुत कुछ मैं भी सीख गई. और जब मैं सिखाने लगी तो मेरे जो स्टूडेंट थे, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो हमसे उम्र में बहुत बड़े थे और एक बच्चे को माफ़ी मुझे प्यार करते थे. वो लोग कहते थे कि सुजाता जी, आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, आप क्यों नहीं फिल्म में गाना गाती हूँ, आपकी आवाज़ तो फिल्म के लायक है. और उस टाइम भी मैं इतने यंग थी तो मुझे लगा चलो ये जो ख़त्म हो जाएगा फिर मैं जाके बॉम्बे में कोशिश करूँगी प्लेबैक सिंगिंग में. कोशिश करने में हर्ज क्या है जी, वही किया मैंने. और भगवान की कृपा से और आप सब के प्यार से आज मैं मधुश्री हूँ. आप 3 साल यहाँ पर थे, क्लासेस किए, यहाँ पर भी प्रोग्राम्स हुए जी. उसके बाद यू वेंट बैक टू इंडिया. यस. एंड तो वहाँ से आपका जूनी शुरू हुआ इन बॉलीवुड. तो उन दिनों कैसा था ट्राई इन बॉलीवुड? क्योंकि अगर हम देखते हैं आजकल तो हर एक फिल्म में हर एक अलग आवाज़ सुनने को मिलता है. पर उन दिनों में तो आका यांगनी था, उदित नारायण, कुमार शानू, सोनू निगम, शान, मधुश्री, तो उस समय कैसा था? एक्चुअली उस वक्त मैंने बहुत स्ट्रगल किया क्योंकि उस वक्त जब मैं गई बॉलीवुड में, उस वक्त रियलिटी शो स्टार्ट हो रहा था, सारेगामा सब शुरुआत हो रहा था, लेकिन चांस मिलना बहुत मुश्किल था, एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल था, म्यूज़िक डायरेक्टर तक पहुंचना बहुत मुश्किल था सुनाने का. तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाके सुनाने को, ये करने को चांस ही नहीं मिलता था. बट मैं कहते हैं ना, जो मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए. ये चीज़ एक जुनून जी. और अब जो मैं सोचती हूँ, जो अभी मैं सोचती हूँ, अगर मैंने क्या क्या स्ट्रगल किया इस वक्त इस एज में, अगर मैं सोचूँ तो मैं कभी नहीं जाऊँगी. उसमें एक जोश था. हाँ. करना है. और हमेशा मेरे मन में एक बैकअप था पीछे कि चलो नहीं होगा तो सुरीनाम तो आ ही सकती हूँ.
हमेशा कुछ ना कुछ स्कूल खोल के कुछ ना कुछ कर सकते थे. मैं आई वॉज वेरी मतलब एक पावर था, मतलब एक सपोर्ट था. तो को बहुत कोशिश किया और फाइनली चांस मिला. राजेश रोशन जी ने मुझे चांस दिया मोक्ष फिल्म. कौन सी फिल्म और कौन सी साल में था? मोक्ष फिल्म 2001 में मोक्ष फिल्म का. तो सोचिए पहले फिल्म में मुझे मोक्ष मिल गया. बहुत अच्छा गाना था, गाना बहुत हिट था. कौन सा गाना था? कई दिन से जैसे पिघलता है दिल, संभालना मुझसे संभलता है दिल, मचलता है दिल, कहे दिल दीवाना कहे मैंने अब जाना कि मोहब्बत जिंदगी है, मोहब्बत जिंदगी है, ये है तो हर खुशी है, मोहब्बत जिंदगी है. तो वहां से शुरू हुआ. एंड उसके बाद कैसा था? उसके बाद कुछ जैसे कल होना हो फिल्म में मैं रिकॉर्डिंग किया. और उस वक्त क्या था, रिकॉर्डिंग के 3-4 साल बाद फिल्म रिलीज़ हुई. तो उस वक्त गाना तो रिकॉर्ड हो गया था लेकिन लोगों को मालूम नहीं था कि फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी. तो पता नहीं मैं गाई उसमें. और एक फिल्म थी तुम्हें आज मैंने जो देखा कुछ ना कहो, वो भी बहुत हिट गाना था. बाद में रिकॉर्डिंग किया लेकिन खास कुछ नहीं हुआ. मतलब स्ट्रगल जारी था. और बॉम्बे में इज़ वेरी कॉस्टली प्लेस. बॉम्बे में रहना खाना पीना इज सो कॉस्टली कि लगा कि चलो भी यहाँ से चले. हो गया 3-4 2-3 साल बहुत मेहनत किया, सब पैसा ख़त्म हो गया यहाँ से. और उसी 3-4 साल में वो कल होना होगा रिकॉर्डिंग हो गया था, पार्ट रिकॉर्ड हो गया था. तो फिर मैं ए आर रहमान जी के बारे में मैंने बहुत सुना था और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी. तो मैं रहमान जी तक पहुँचने की बहुत कोशिश किया. और उनके पास आप कैसे जा पहुँचे? मैं सीधा चली गई थी चेन्नई रहमान जी के ऑफिस में और जाके मैंने कहा मैं रहमान जी से मिलना चाहती हूँ. तो कहा रहमान जी इस तरह से नहीं मिलते बिना अपॉइंटमेंट. मैंने कहा मैं बॉम्बे से आई हूँ, अकेली हूँ और यहाँ पर कुछ नहीं जानती हूँ, मैं मिलने उनको गाना सुनाने आई हूँ बस. तो वो कहा ऐसे नहीं मिलेंगे. तो मैंने कहा मैं जब तक नहीं मिलेंगे मैं नहीं जाऊँगी. मैं ऑफिस में बैठ गई. तो उनको उन्हें दिखा रही तो बहुत ही जुनून है बॉम्बे से आए. तो पता नहीं उनको मन में क्या हुआ. तो रहमान जी शाम को आए, मुझे सुने, कहा ठीक है अच्छा है. उसके बाद कुछ नहीं हुआ. फिर 1 साल बाद वो रिकॉर्ड करने आए थे. एक साल बाद और उस वक्त मुझे लगा कि मैं बॉम्बे से चली जाऊँ फिर हॉलैंड में या तो यूएसए में या तो और कोई कहीं मैं ट्राई करूँ. हो गया 2-3 गाना तो फिल्म में गा लिया. हो गया मेरा जो ड्रीम था कि बॉम्बे में हो गया. तो लेकिन डेस्टिनी किस्मत में कुछ और ही था और भगवान गॉड इज़ वेरी काइंड. तो 1 साल बाद वो बॉम्बे आए थे कुछ रिकॉर्डिंग करने और उस वक्त मेरी मुलाकात हुई. लेकिन उनको तो उन याद भी नहीं था कि आपसे मिले. हाँ तो फिर मेरा वॉइस टेस्ट हुई और मैं उनको सुनाया. सुनाने के बाद उनको अच्छा लगा. और कैसे सुनाया आपको बताऊँ, ये भी इंटरेस्टिंग है. उन्होंने कहा ठीक है आप 2 लाइन गाइए. तो मैंने 2 लाइन सुनाया तो कहा अच्छा लगा. आर यू क्लासिकल सिंगर? तो मैंने कहा यस. तो कहा ठीक है कुछ क्लासिकल सुनाओ. और मैं शुरू हो गई आँखें मूंद के. मैं आधा घंटा तक क्लासिकल का स्टूडियो में उन्होंने सुना. आधे घंटे तक उन्होंने क्लासिकल सुना. सुनने के बाद फिर कहा इट्स गुड. तो मैंने सोचा चलो रहमान जी ने कह दिया तो चलो इसका कल ही मुझे मौका मिल जाएगा बुलाने के. लेकिन कुछ नहीं हुआ. फिर से कुछ नहीं हुआ. 1 साल तक मैं इंतज़ार करती रही. फाइनली मैंने सोचा मैं अभी हॉलैंड या तो कहीं पर चली जाऊँगी. हर जगह में मैंने एप्लीकेशन देना शुरू किया ICCR का ही जी. फिर से और जब मैं सोच रही थी पैकिंग शुरू हो गया था उसी वक्त चेन्नई से फ़ोन आया. पैकिंग शुरू हो क्योंकि आपको कहीं पर नौकरी मिल गया था जाने के लिए. हाँ मतलब बातचीत चल रही. हॉलैंड में भी बात चल रही थी, अमेरिका में भी बात चल रही थी. अच्छा कुछ प्लानिंग हो रहा था. तो मैं सब कुछ पैकिंग कर रही थी और मेंटली प्रिपेयर हो गई कि मुझे जाना है. उसी वक्त फ़ोन आया कि आपको आना है चेन्नई में, रहमान जी ने आपको बुलाया. बस लाइफ चेंज. वाज इट फॉर द सॉन्ग कभी नीम नीम? नो, कभी नीम नीम वाज माय फर्स्ट सुपरहिट सॉन्ग.
बट रहमान जी के लिए जो मैंने फर्स्ट रिकॉर्ड किया वो भी बहुत बड़ा हिट गाना था, नैना मिलाई के साथिया फिल्म रानी मुखर्जी। एक छोटा सा नैना नैना मिलाई के मोसे नैना झूठ कपट छल कीनी, झूठ कपट छल कीनी मोसे नैना, मोसे नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के पलकों में बंद कर लेनी, पलकों में बंद कर लेनी। उसके बाद मैं तहजीब के लिए तीनों गज़ल गाई मैं, और एक दिल है ऐसा कुछ एक फिल्म थी सलमान खान की, नहीं सलमान खान के भाई सुहेल खान आई थिंक वाज द हीरो। उसके बाद कभी नीम नीम, कभी नीम नीम अभी भी आज भी इंडिया में सुपर हिट है और दुनिया में अभी भी सुपर हिट, कहीं पर भी जाओ ये गाना अभी तक आप सुनते हैं। स्पेशल सॉन्ग, मतलब ऐसे हिट गाना तो बहुत होता है लेकिन लोग सुनते आ रहे हो कभी नीम नीम पहचान जाते हैं। जी जी, दैट इज़ ए रियली ग्रेट थिंग। उसके लिए मेहनत भी बहुत मेहनत हुई थी, 13 दिन तक एक गाना बने, 13 दिन तक एक गाना 13 दिन तक बनता रहा। कभी उसका म्यूजिक, कभी उसका लिरिक्स चेंज होता रहा, कभी गायकी, कभी धुन, कभी अरेंजमेंट, 13 दिन तक लग गया। लेकिन गाना जो 13 दिन के बाद जो गाना बन के आया, आजकल तो म्यूजिक कंप्यूटराइज बनता है, हाँ इंडिया में भी यहाँ पर भी, हाँ। पर उन दिनों में किस तरह का रिकॉर्डिंग्स हो रहा था, माहौल किस तरह का था विद लाइव म्यूजिशियंस एंड सिंगर? मेरे पहले से सब लोग होता था। अच्छा, वो लाइव उस... हाँ, उसके बाद मैं जब इस इंडस्ट्री में एंट्री की उस वक्त लाइव म्यूजिशियन का जो सामान ट्रेंड चला गया था वो चला गया था। हाँ, अच्छा, रिकॉर्डिंग पहले म्यूजिश पहले हो जाता था, उसके बाद हम लोग जाके वॉइस डबिंग करते थे। आजकल जैसे पिचिंग करेक्शन होता है वो नहीं, हाँ, होता था। नहीं, अगर कोई गाना ठीक नहीं हुआ तो दोबारा हम टेक करते थे, अलग से टेक करते थे। जब तक ठीक नहीं होता था हम लोग गाते रहते थे। नहीं था उसमें, देखिए प्लस माइनस दोनों दोनों है। उसमें एक फ़ायदा तो ये था हम प्रैक्टिस अभ्यास बहुत करते थे और सुर के पक्का हो जाते थे। जी, जब इंसान को, जब आर्टिस्ट को लगता है कि चलो मेरा पिच करेक्शन नहीं होगा, मुझे सुर में गाना है तो उसमें ध्यान देंगे। अब जब लगता है कि चलो ठीक है गाना अच्छा हो गया, सुर हाँ, ओके, है, ओके, है, वो ओके, हो जाएगा, तो खो जाएगा, तो आर्टिस्ट मेहनत नहीं करते। जी हाँ, और वो दैट इज गलत, दैट इज रॉन्ग, वो ठीक नहीं है। एंड इंडिया में आपकी एक दिन किस तरह से बीतता है? देखिए इंडिया में बहुत हैक्टिक लाइफ है, मतलब बहुत ही, मतलब क्या कहूँ, बिजी शेड्यूल है। रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग के इससे पहले तैयारी भी होती है, हमें अपने को मेंटेन करते कि ज़्यादा बात नहीं करूँ, अपने को गला ठीक रखूँ, वो भी एक स्ट्रगल ही है। हाँ। तो फिर रिकॉर्डिंग होने के बाद इंटरव्यूज होते हैं, और प्रोग्राम जब होता है तब रिकॉर्डिंग कम करते हैं, इस तरह से डिविजन कर लेते हैं। तो रेगुलर हम बिजी रहते हैं, कुछ ना कुछ कहीं जाना होता है, कोई इंटरव्यू, आजकल तो ऑनलाइन इतना हो गया, ऑनलाइन में हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। वैसे ये बात वैसे शुरुआत में पूछना था पर बातें बात ही में बात कहाँ कहाँ से चला गया। वैसे आप जब छोटे थे तो कहाँ से आपका गाने में इंटरेस्ट आया, कैसे आपको पता चला कि नहीं आई वॉन्ट टू डू सिंगिंग? देखिए मैं एक म्यूजिकल फैमिली से आई हूँ। अच्छा, बचपन से मैं देखते आई हूँ कि मेरे डैडी गाना गाते थे, मेरे मम्मी म्यूजिक में रुचि रखते थे, हम लोग 4 बहन हैं, सभी गाना गाते हैं, तो म्यूजिकल फैमिली, 4 बहन। हाँ, मेरे पिताजी बहुत अच्छा गाना गाते थे, हालांकि वो प्रोफेशनल सिंगर नहीं थे लेकिन उनका बहुत शौक था और ये चाहते थे कि एक लड़की तो कम से कम प्रोफेशनल सिंगर बने, तो उस हिसाब से मुझे उन्होंने तैयार किया। बचपन से मुझे कहा गया तुम्हें गाना ही गाना है और कुछ नहीं करना, तो वो डेडिकेशन कब से मैं गाना शुरू किया मुझे खुद मालूम नहीं है, लेकिन माँ कहती थी कि जब मैं 5 साल की उम्र में थी तब मैं स्टेज प्रोग्राम शुरू किया। तो मेरे ज़िंदगी जो है संगीत संगीत संगीत, संगीत के सिवा और कुछ है नहीं। तो 5 साल से आपने शुरू किए स्टेज प्रोग्राम्स, तो किस तरह के प्रोग्राम्स होते थे उन दिनों? जो गाना सुनती थी रेडियो में वही गाना गा दिया, फिर डैडी ने क्लासिकल सिखाया,
अलग अलग गुरुओं के पास ले गए, क्लासिकल सीखा है। हाँ, एक बात ये है कि डैडी हमेशा चाहते थे मैं क्लासिकल सिंगर बनूँ, और उन्होंने मुझे क्लासिकल सिखाया, और क्लासिकल मैंने मैं बहुत अच्छा किया। मैं म्यूज़िक में मास्टर डिग्री किया क्लासिकल को लेके, फर्स्ट आई थी यूनिवर्सिटी में, गोल्ड मेडल मिला मुझे और नेशनल स्कॉलरशिप मिला मुझे क्लासिकल में, रेडियो कॉम्पिटिशन फर्स्ट आई, तो क्लासिकल में बहुत अच्छा कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में बहुत जो फिल्मी सॉन्ग के लिए बहुत चाहत थी, और जब डैडी घर पे नहीं रहते थे तो रेडियो चुप चुप के सुनती थी, लता जी का गाना, रफ़ी साहब के गाना सुनती थी, और ऐसा सपना देखती थी कि मैं एक दिन बॉलीवुड सिंगर बनूंगी। और मैं सबको जो सिंगर्स है, एस्पायरिंग सिंगर है, ये बताना चाहूँगी, आप जो चाहोगे वही होगा, चाहना आपका ज़रूरी हो, मतलब बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, क्योंकि अगर चाहना है तभी आप उसमें काम करोगे। परफेक्शन, गाने का प्रोनाउंसिएशन, गाने का सुर, दूसरे को सुनना, वो क्यों इतना अच्छा गा रहे हैं, मैं क्यों नहीं गा रही, कंपैरिजन, फिर तैयारी अगर अच्छा है तो आपको कोई रोक नहीं सकते। अगर म्यूजिक के बारे में बात करते हैं तो समय जो कि है देखते देखते ही गुजर जाते हैं, खास करके आशना जैसा म्यूजिकल माइंडेड हो तो, खास करके आप अगर है ऐसे गैस। थैंक यू मधुश्री जी, हम प्रोग्राम के अंत में आ गए हैं, आपके लिए कुछ हम भी लाए हैं हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से, पर चलिए प्रोग्राम अंत करने से पहले और हम आपसे गुजारिश करते हैं, अगर आपके तो इतने सारे बॉलीवुड हिट सॉन्ग्स हैं, अगर आप कुछ कुछ के एक छोटा छोटा टुकड़ा करके एक मेडली बना दें, ठीक, तो हम देखने वालों को भी खुश कर देंगे एंड आप मुझे भी खुश कर देंगे। चलिए, जोधा अकबर का ये गाना, इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं, ये गाना सोनू निगम के साथ जी डुएट गाना है मेरा। फिर माही वे तेरे माथे झूमर चमके, तेरे गानों वाली दमके हरे माही वे, इसमें उदित जी है, साधना सरगम है, सोनू निगम है, चारों मिलके हमने गाया। कल हो ना हो, फिर कुछ ना कहो, तुम्ही आज मैंने जो देखा, चमका है किस्मत का तारा, बदले नसीब की रेखा, तुम्ही आज मैंने देखा। फिर एक गाना है कुमार शानू के साथ एतबार फिल्म में, बिपाशा बासु और जॉन अब्राहम अमिताभ बच्चन भी है इसमें, तुम मुझे बस यूं ही प्यार करते रहो तो खुशी मेरे दिल से कहाँ जाएगी। स्वदेश में एक भजन बहुत अच्छा है, पल 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 है भारी वो बिपता है आई, मोहे बचाने अब आओ रघुराई। देन एक गाना है रहमान जी के साथ डुएट, शर्मिंदा हूँ, एक दीवाना था फिल्म का। फिर एक रोमांटिक भजन है जो सुपर डुपर हिट है, बाहुबली 2 में, कान्हा सो जा जरा मुरबंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुहे मुहे ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुनो मोसे नहीं छेड़ो सावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा जरा। थैंक यू। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हो गया है तो बैठे आशना के साथ। जी हाँ, मधुश्री का कॉन्सर्ट आशना के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू कि आपने अपनी बिजी स्केड्यूल में से समय निकाली है ये इंटरव्यू के लिए। एंड हमारे स्पॉन्सर है केक फेरी, जो आपके लिए रेड वेलवेट बनाए हैं। वाओ, श्रीनम टेस्ट, यस,
जो आप एंजॉय कर सकते हैं. यस यस, दिस इज रेड वेलवेट. यस, इट्स रेड वेलवेट. वाओ, सो वी होप यू एंजॉय. बदांग खराखदांग. उम्मीद है कि जाने से पहले या फिर वापस आने के बाद वर्कशॉप आप जरूर दें. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. बिल्कुल, मैं सोच रही हूँ क्योंकि आई लव टू डू दैट. मैंने इस सुरीनाम में बहुत लोगों को सिखाया जी. और मुझे खुशी है आज एक मेरा ही एक स्टूडेंट जो आज एक बॉलीवुड में बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बन गए हैं, फिल्मों में म्यूजिक दिया, एल्बम किया, रॉबी बादल जी. तो मैं चाहती हूँ ऐसे लोग आगे बढ़े और तरक्की करें, बॉलीवुड में गाना गाए, कुछ लोगों को मैं टिप्स दूँ और सीखे स्टूडेंट्स जो बॉलीवुड में जाके कामयाब बने. दैट वाज डन फॉर देश सनी फन के इन यू हैव गज़ीन वी हैव स्पोकन विद ऑल द वे फ्रॉम इंडिया आउट बॉलीवुड मधुश्री. En wat het nog mooier maakt voor ons, is dat zij jaren geleden, in de jaren 90, in Suriname was om lessen te verzorgen hier bij het Iliaans Cultureel Centrum. We kennen haar toen de tijd met haar echte naam, dat is Sujata Bhattacharya. Dus it was all a pleasure. We hebben deze uitzending gedaan met de complimenten van de Winas Enterprise, Richard Vastgoed, SNR Transmission, KMSS Car Air Conditioning en Repair, de Verfshop, en Next Level Card Detailing. Samen met Sushma Bieren en Ronnie achter de cams, dan hebben we deze uitzending gebracht van een kijkje in.